हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का ओल्ड चश्मा की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में कि आखिरकार गोकुलधाम सोसाइटी में दूध की चोरी कौन कर रहा है। अब गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर, जैसा कि मैं रिसेंट एपिसोड में देखा कि जो दूध इस समय संतोष लेके आ रहा है, उसका दूध सभी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सेम कंपनी का दूध, सेम क्वालिटी का दूध जो कि अब्दुल दे रहा था, वही दूध संतोष इस समय 55 रुपये लीटर दे रहा है, जबकि अब्दुल उस समय 60 रुपये लीटर दे रहा था। तो यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है कि जो संतोष दूध दे रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स की मिलावट है, जिसके कारण दूध इतना टेस्टी बन रहा है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर दूध की चोरी कौन कर रहा है। तो भाई, दूध की चोरी करने वाला यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अब्दुल ही है। यहाँ पर हो सकता है कि संतोष की बातें अब्दुल ने चुपके से सुन ली हों, कि वो दूध के अंदर कुछ मिलावटी कर रहा है, इसीलिए गोकुलधाम के मेंबर्स को ये दूध इतना टेस्टी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल एक चाल और चलने वाला है, जिससे कि वो गोकुलधाम के मेंबर्स का दिल जीत लेगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और जहाँ अब्दुल इस दूध की चोरी करेगा, तो वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी का दूध उस थैले में डाल देगा, यानी कि यहाँ पर अब्दुल 5 रुपये का घाटा खा लेगा, लेकिन वो गोकुलधाम मेंबर्स की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने देगा। यानी हो सकता है कि जो दूध संतोष सेल कर रहा हो उसमें कोई मिलावटी हो, जिससे गोकुलधाम मेंबर्स की सेहत पर कुछ असर पड़े। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो अब्दुल भले ही संतोष का वो दूध निकाल ले, लेकिन उसकी जगह अपनी कंपनी का दूध गोकुलधाम मेंबर्स की थैले में डाल दे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मुझे तो ये लगता है फिलहाल गाइस, इस बारे में आपकी क्या राय है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।